हेलो गाइस, मैं हूं गोपाल। और भाई साहब, आप लोगों ने अंडा तो जरूर से खाया होगा। आप दोस्तों इसे आपने पानी में उबाल करके सब्जी में डालकर खाया होगा बना करके, या फिर इसे फोड़ करके दोस्तों फ्राई किया होगा, आमलेट बनाकर खाया होगा। लेकिन दोस्तों आपने इसे तेल में, नमक में, मिर्ची में डाल करके दोस्तों इसे फ्राई किया होगा। लेकिन दोस्तों आज हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। हम दोस्तों आज बहुत ही अलग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एक्सपेरिमेंट वीडियो में हम दोस्तों यहाँ पर ले लिए हैं पेट्रोल। और दोस्तों हम पेट्रोल में अंडे को यहाँ पर इसे दोस्तों फ्राई करने वाले हैं। इसे दोस्तों हम तोड़ेंगे और पेट्रोल में दोस्तों आग लगाएंगे और फिर अंडे को फ्राई करेंगे। अब दोस्तों आप लोगों ने तो अंडा खाया होगा उबाल ये फ्राई करके, तो आपको दोस्तों उसका स्वाद पता होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम पेट्रोल में अंडे को फ्राई करते हैं बिना किसी नमक और मिर्ची के, और दोस्तों तो इसका स्वाद कैसा रहेगा ये तो दोस्तों कोई अंदाजा नहीं है कि किस तरीके से लगेगा। लेकिन आज हमारी टीम दोस्तों इस पेट्रोल में अंडे को फ्राई करेगी और टेस्ट करके हम आपको बताने वाले कि किस तरीके से इसका स्वाद रहेगा दोस्तों, इसका टेस्ट कैसा रहेगा, खाने में कैसा लग रहा है, सब आपको बताने वाले। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दें और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों आपने तो कभी पेट्रोल में अंडे को फ्राई करके नहीं खाया होगा, तो दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इसका स्वाद है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों फटाफट इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल में अंडा उबालने के बाद इसका स्वाद कैसा लगेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे। भाई साहब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर पेट्रोल है और हमने दोस्तों अंडा यहाँ पर लिया है और यहाँ पर दोस्तों लाइटर है और यहाँ पर एक दोस्तों हमने थाली ले लिया है। अब दोस्तों हम इस थाली में पेट्रोल को डालेंगे और दोस्तों इसमें अंडे को फोड़ करके मिक्स करेंगे, फिर इसमें दोस्तों आग हम लगाएंगे। हम दोस्तों नीचे से आग नहीं लगाएंगे, पेट्रोल में अंडे को डालकर जलाएंगे, फिर दोस्तों जब जलकर राख हो जाए मतलब खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो देखा जाएगा दोस्तों इसका स्वाद कैसा लगा, दोस्तों क्या अंडा बन पाएगा इसका जो आमलेट है, और अगर बनता है तो कहीं किस तरीके से बनेगा या फिर नहीं बनेगा, सब आपको बताने वाले हैं और दोस्तों टेस्ट भी करके आपको दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों अभी मैं इस दोस्तों यहाँ पर अंडे को तोड़ लेता हूँ इसमें। गाइस आप यहां देख सकते हैं कि हमने दोस्तों अंडे को यहां पर तोड़ दिया, दोस्तों देख सकते हैं हाथों में लग गया। चलिए दोस्तों हम इसमें पेट्रोल डालते हैं। पहले दोस्तों हम इसे मिक्स करेंगे, फिर पेट्रोल भी डाल के मिक्स करेंगे, फिर इसमें आग लगाएंगे। अब दोस्तों हम नीचे से आग नहीं लगाने वाले हैं, पेट्रोल से दोस्तों जलाएंगे इसको और देखते हैं दोस्तों ये किस तरीके से आमलेट इसका बनता है, किस तरीके से इसका स्वाद रहेगा। तो गाइस यहां देख सकते हैं आप कि हमने दोस्तों यहां पर अंडे को मिक्स कर दिया अच्छे से, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए हम इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं हम इसमें पेट्रोल को डाल रहे हैं और दोस्तों हमने इसमें काफी पेट्रोल आधा डाल दिया। चलिए हम इसे बंद कर देते हैं, अभी बाद में भी डालेंगे अगर आग बुझ जाता है, अगर अच्छे से हुआ नहीं रहेगा तो। चलिए दोस्तों इसे यहाँ पर हम चम्मच को निकाल देते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसमें रख देते हैं और यहाँ पर दोस्तों चलिए हम आग को लगाते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों आप लोग कभी भी दोस्तों पेट्रोल में आमलेट को डाल के मत बनाएगा, क्योंकि दोस्तों पता नहीं इसका कैसा रिएक्शन रहेगा। हम लोग दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि कैसा इसका मतलब कि स्वाद रहेगा। आप लोग किस घर पे ये सब ट्राई मत करिएगा, जो भी करना है हम दोस्तों आपको करके दिखाने वाले हैं हर चीज। जो भी आपको दोस्तों और चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट करें, उस पर भी हम दोस्तों एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस पर आग लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इस पर उबाल करके। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें आग लग गया है और यहां पर चलिए दोस्तों अभी हम इसे होने देते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जल रहा है पूरा आमलेट। इसे हम गाइस इसे थोड़ा मतलब कि क्रैश भी नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों हो रहा है। अंडा दोस्तों फ्राई हो रहा है और दोस्तों ये लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका स्वाद ऐसा आ रहा है कुछ कुछ, और देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से जल रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि आग यहां पर खत्म हो गया है। दोस्तों देख सकते हैं कि शायद अंडा उबल भी गया, अभी थोड़ा अगर बाकी रहेगा दोस्तों अभी हम इसे चला करके देखेंगे ऊपर। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर मेरे टीम मेंबर सभी बैठे हुए हैं और ये दोस्तों खा करके टेस्ट आपको बताने वाले, क्योंकि दोस्तों मैं अंडा खाता हूँ, मैं दोस्तों वेजिटेरियन हूँ तो दोस्तों मैं तो खा नहीं सकता। ये लोग खा करके आपको स्वाद बताने वाले पेट्रोल में अगर हम अंडे को दोस्तों फ्राई करते हैं तो किस तरीके से इसका स्वाद रहेगा। तो दोस्तों अगर चलिए हम पहले इसे देखते हैं कि हो गया है दोस्तों काफी, ये पतीला जो गर्म हो गया है और यहाँ पर अभी दोस्तों ये हुआ नहीं, अंदर देख सकते हैं अभी पानी पानी है सब। तो इसे चलिए दोस्तों हम फिर से अभी उबालते हैं इसमें पेट्रोल डाल करके। तो अभी ये दोस्तों हम इसे साइड कर लेते हैं जो हो गया अभी, और इसमें फिर से हम पेट्रोल में आग लगाने वाले हैं पेट्रोल डाल करके। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं हम इसमें दोस्तों पेट्रोल डाल दिए, काफी पेट्रोल हो गया दोस्तों। चलिए हम इसे बंद कर देते हैं। अब इस बार दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि इस बार पूरा अंडा जो है फ्राई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसमें पहले आग लगाते हैं। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं हमने दोबारा से इसमें आग लगा दिया और ये दोस्तों फिर से पक रहा है। अभी दोस्तों हम शायद इस बार तीसरे बार इसको नहीं पकड़ना पड़ेगा, इस बार हो जाएगा ये।
तो गाइस आप यहां देख सकते हैं दोबारा से हमने दोस्तों इसे जला दिया और ये देख सकते हैं दोस्तों ये जल रहा है अच्छे खासा, इस बार हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका टेस्ट हम करके सब दिखाने वाले आपको कि किस तरीके से इसका टेस्ट रहेगा, क्या पेट्रोल का इसमें टेस्ट आएगा या फिर जो जिस तरीके से हम घर पर दोस्तों इसे फ्राई करते हैं तेल में मिर्च नमक डाल करके उस तरीके से इसका स्वाद रहेगा। तो मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि पेट्रोल का स्वाद तो आएगा ही, लेकिन देखते हैं दोस्तों इसे हो जाने देते पहले, फिर आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों हम इसे चला भी नहीं सकते हैं कि मतलब चला देते फ्राई अच्छे से हो जाता पक जाता, लेकिन अभी चलिए देखते हैं दोस्तों जितना हो जाएगा उतना खिला देंगे इन लोग को और जो भी नहीं हुआ रहेगा उसको देखा जाएगा क्या होगा। बट चलिए एक बार थोड़ा और आग क्या लगाना है, चलिए दोस्तों अभी हम टेस्ट कराते हैं इसे सभी को, अपने सभी टीम मेंबर्स को। तो भाई लोग को देख करके आप इधर सामने बैठे हुए सब, भाई आप लोग आज देखिए भूखे लोग हैं, सब लोग अभी खा के नहीं आए घर से, इधर ये आमलेट खाएंगे, इसका स्वाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका स्वाद है। तो गाइस हम चलिए सभी भाई लोग को बुलाते हैं, एक पुनः बुलाएंगे, सभी को एक ही बार बुलाएंगे और सभी को दोस्तों टेस्ट करके दिखाएंगे, जो लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका टेस्ट है। तो भाई आप लोग आ जाइए यहाँ पर लाइन से लग जाइए और आप सभी को दोस्तों यहाँ पर प्रसाद दे देते हैं। तो चलिए भाई एक साइड से हम सभी को दे देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये कट नहीं रहा है, चलिए इतना दे देते हैं अपने साहिल ब्रांड को, तो आप ले लो भाई। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फ्राई हो चुका है अच्छा से, अब ये दोस्तों इसका स्वाद कैसा लगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन अभी दोस्तों खा करके भाई लोग आपको बताने वाले कि पेट्रोल में अगर हम दोस्तों आमलेट को बनाते हैं तो किस तरीके से इसका स्वाद रहेगा। और यहाँ पर हमारे मिथुन भाई, इनको ज़्यादा प्रसाद दिया जाएगा, और यहाँ हमारे सचिन भाई हैं तो इनको हम दे देते हैं यही जो बचा है थोड़ा मोड़ा। तो ये लीजिए भाई आप प्रसाद ले लीजिए और हम यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 करेंगे और फिर ये लोग दोस्तों आराम से आप लोगों को आराम से खाना है, कूच कूच करके खाना है, अच्छे से हजम करना है, फिर बताना कि स्वाद इसका कैसा है। तो चलिए भाई आप लोग खाइए, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सभी खा रहे हैं यहाँ पर, और दोस्तों मैं खाता हूँ आमलेट। यहाँ देख सकते हैं भाई लोगों ने अंडे को खा लिया, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों उबल दिया अंडे को, शायद इनको हजम नहीं हुआ अंडा। तो भाई क्या मतलब आपको कैसा स्वाद लगा बताइए पहले। भाई बहुत बेहुदा स्वाद है इसका, पूरा पेट्रोल का स्वाद है, पेट्रोल का स्वाद है। जो आमलेट है वो उबला था या नहीं उबला था? उबला था भाई, लेकिन पेट्रोल का स्वाद है भाई। तो ये बोल रहे पेट्रोल का स्वाद आपको कैसा लगा भाई? पेट्रोल जाता है, पेट्रोल है, बट क्या कि अंडा तो अच्छा लग रहा था खाने में। तो भाई आप देख सकते हैं भाई को भी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा अंडा? एक नंबर भाई, ये भाई को एक नंबर लगा है, मतलब एक नंबर खाने में लगा, एक नंबर नहीं लगा, आप लोग गलत ना सोच रहा, खाने में अंडा एक नंबर लगा, मतलब इनको स्वाद अच्छा लगा, पेट्रोल का लेकिन स्वाद था ना। आपको हजम हुआ भाई? और मेरे को भाई आधा पेट्रोल का और आधा अंडे का स्वाद आया भाई, मजा आ गया आधा आधा इनको भाई, आप समझ सकते हैं कि इनके दिल की फीलिंग समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर हम पेट्रोल में आमलेट को बनाते हैं तो दोस्तों इसका स्वाद कैसा रहेगा, भाई लोगों ने आपको बता ही दिया खा करके। तो दोस्तों आप इसे ट्राई घर पे कर सकते हैं, बट ये थोड़ा दोस्तों आप लोग मत करिएगा तो सही है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल में आमलेट को कौन बनाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रुको रुको भाई, तो भाई आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, भाई प्लीज लाइक कर दो, हम लोग बहुत मेहनत करके ऐसा ऐसा वीडियो बनाते हैं, भाई आप लाइक नहीं करते, पूरा वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते, प्लीज भाई लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया गाइस, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट एक छोटा सा कर दो, अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों वीडियो जैसा आपको लगे। और दोस्तों ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नए एक्सपेरिमेंट पर नए वीडियो में अपने टीम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।